भाई वाह क्या बात है तेरी, ठाट है तेरे शांतरी और भट्टी। हाँ भाई हाँ तू बड़ा सियाना, काम का है तू ये माना और डीडी। अरे बातें बनाना, चक्कर चलाना, लुट गई ये सबसे, अपना हो या बेगाना, ऐसा कोई मिला नहीं जिसका किया भला नहीं। लड़ते हैं झगड़ते हैं फिर भी दिल से गिला नहीं। भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी। ये तुमने आंख पे पट्टी क्यों लगाई हुई है? ओ साहब जी, जब मैं आटा लेने गया ना जी, तो खवातीन में से एक औरत ने कहा जी इसकी आंख पे मारो। एक बंदा करीब बैठा था जी, उसने बड़ी जोर से आंख पे मारा था जी। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा क्या नाम है? साहब जी, साहब जी ना करे साहब जी। मेरा नाम है भट्टी। जी 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 जी, अदाकार हूँ जी जी जी। ऐसे गेटअप मैंने बहुत किए। लीजिए ना जना। थैंक यू। जनाब ये फरमाइए कि कब तक क्याम है जनाब? आज माल मिल जाएगा, कल रवानगी, परसों अमेरिका की फ्लाइट। पुलिस को जल्द इतला करनी चाहिए। वो मेरा एक मेहमान आज आने वाला है इधर। जी जरूर जरूर, आपका मेहमान सरकारी, आपका मेहमान हमारा मेहमान है। ये लीजिए आपका माल। और ये आपकी अमानत। माल तो असली है ना? माल के बारे में आपको शिकायत नहीं होगी? आइए इंस्पेक्टर साहब आइए, ये रहे आपके मुजरिम। हैंड्स अप। मगर क्यों इंस्पेक्टर साहब? हीरोइन की स्मगलिंग करते हो और पूछते हो क्यों? हीरोइन? हाँ हीरोइन, ये हीरोइन। I'm sorry इंस्पेक्टर, आपको गलतफहमी हुई है। जब से ये दुनिया वजूद में आई है, इंसान इसका आदि है, इसके बगैर मर जाएगा इंसान। लेकिन चंद मुनाफाखोरों और जमीर फरोशों की वजह से ये चीज आजकल नाफेद है। ये हीरोइन नहीं, आटा है। आटा? खामखा हमारा टाइम बर्बाद किया, अब तुम चलो जरा हमारे साथ। जनाब मेरी बात सुनो। खैर काम तो तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तुम सोचने बैठोगी फिर तुम खुद ही इस नतीजे पर पहुंचोगी। हाँ मैं ही रख के भूल गई थी। मैं रख के भूल गई थी? आप याद कर ले कि कहीं आप उठा के ना भूल गए हो। अरे औरत, ये क्या कहा तुमने? अपने शौहर को मुजरिम गर्दान दिया तूने? नहीं नहीं नहीं, अपने मजाजी खुदा को मुजरिम कहते हुए तेरा मैदा क्यों नहीं फट गया? एम ए भट्टी जैसे अजीम फनकार को जब तूने मुजरिम गर्दाना, उससे पहले तू गुंगी क्यों नहीं हो गई? अरे औरत, अपने शरीक सफर को मुजरिम कहने से पहले तू इवल डेड क्यों नहीं हो गई? इवल डेड क्यों नहीं हो गई? रीमा तुम भी कतार में आकर खड़ी हो जाओ। अगर यहाँ सब बराबर है तो फिर भाभी को भी कहेंगे कतार में आए। मेरा जेवर चोरी हुआ, मैं क्यों कतार में आ जाऊँ? औरत, रीमा ठीक कह रही है। रीमा हमेशा सही कहती है, मैं जो कहती हूँ वो गलत होता है। उठो। खड़ी हो जाती हूँ मैं। दोस्तों इस घर में चोरी हुई है। मुबारक हो साहब जी, आपने पहले नहीं बताया। भगवत, और मेरी बीवी का सोने का सेट चोरी हुआ है। और चोरी चोरी अंदर से हुई है। अंदर से क्या मतलब भाईजान? गुड क्वेश्चन, अंदर से क्या मतलब? अभी आपके गोश गुजार करते हैं। या तो मिसनी शक्लो सूरत वाले तुम, या फिर मासूम शक्लो सूरत वाली जहरीली नागन
तुम भट्टी आर डी डी, भट्टी आर डी डी। साहब जी, यहाँ आके तफ्तीश कुछ रुक नहीं गई जी? या फिर तुम ऐसे नहीं होगा ये काम। मतलब ये कि हम पांचों में से कोई है? नहीं, इसके अलावा कई मेहमान भी आए हैं। या तो ये उनका काम है या फिर आप दोनों का। हम अपना जेवर खुद कैसे चुरा सकते? तो फिर हम आपका जेवर कैसे चुरा सकते हैं? रेशमा और डीडी भी तो ऐसा कर सकते हैं। ये दोनों ये काम नहीं कर सकते। खबरदार जो आपने इन पे इल्जाम लगाया तो। ये तुम इतने वसूख से कैसे कह सकती हो? हाँ ठीक कह रही हूँ, दीदी बचपन से इस घर में रहा है और अगर वो चोर है तो आपकी तरबियत ने उसे चोर बनाया है। और रेशमा, रेशमा तो चोर हो ही नहीं सकती। मैंने कहा था ना, ये ऐसे नहीं मानेंगे। क्या मतलब है मानेंगे नहीं? बेगम साहिबा जी, मुझे अपने अब्बे की कसम है, मैंने तो वो सेट देखा भी नहीं। पागल हो गई, अब्बे की कसम क्यों खा रही है? वो ऐसे पूछ रहे हैं। लेकिन शक तुम दोनों पे कर रहे हैं ना सब लोग। घर वालों से इसलिए पूछा जा रहा है कि कहीं तुमने उसे देखा हो। आप किसी पर इल्जाम मत लगाएं, वरना वरना क्या होगा? वरना बंटवारा, इस घर का बंटवारा होगा। पागल हो गई हो, बंटवारा कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है क्योंकि हम कोई किसी के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट थोड़ी करा रहे हैं। रिपोर्ट करवानी चाहिए। मैं अभी अपने एसपी भाई को बुलवाती हूँ। एसपी जॉन? नहीं, सुपरिटेंडेंट पुलिस। पाजी जी, अब क्या होगा? तुम लोग फिक्र क्यों करते हो? जो काम हम लोगों ने किया ही नहीं तो उसकी सजा क्यों मिलेगी? ओ पाजी जी, वो कह रही थी कि थाने वालों को बताएंगी। तो बताती रहे, क्या होगा? कोई फिक्र करने की बात नहीं है। लेकिन बाजी जी, सोचने वाली बात यह है कि ये काम दिखाया किसने है जी? हाँ डीडी, इस बात की तो खोज लगानी ही पड़ेगी। खोज लगाते लगाते तक जी कहीं थाने वाले मारे ना काम कर दें जी। क्या कर लेंगे थाने वाले? तुम्हें हाथ लगा के तो देखे, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे डरो मत, मेरी एक दोस्त है, उसके अब्बा जो है ना इसी महकमे में आला उहदे पे हैं। डीआईजी के चपड़ासी हैं जी। डीडी पूरी बात तो सुन लो, अगर थाने वालों ने तुम लोगों को हाथ लगाने की भी कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बात सुनो, मुझे इंस्पेक्टर मोलादाद कहते हैं। क्यों कहते हैं जी? आपको छेड़ते हैं? किसकी जरूरत है जो मुझे छेड़े? मैं अगर छेड़ गया ना तो सबको छेड़ के रख दूंगा। वाह 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 वाह, तशरीफ रखें। शुक्रिया। पंडित साहब, ये फरमाएं कि आपको चोरी क्या हुआ है? जी हमारा सोने का सेट। यानी आप सोना पहनते हैं? बहुत बुरी बात है। बेगम साहब कहाँ हैं? इंस्पेक्टर साहब, आपने जो कुछ पूछना है मुझसे पूछिए। साहब का आर्डर है कि आपसे कोई मालूमात ना ली जाए, जो भी पूछना है बेगम साहब से पूछा जाए। सलामुलेकुम बेगम साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये बेगम साहब नहीं, मेरी बहन है। बहन है? इनको भी इधर ही रखा हुआ है? जी मेरे साथ ही रहती है। गुड, वेरी गुड। इसमें गुड वाली क्या बात है? सलामुलेकुम। वालेकुम सलाम। ये भी सिस्टर है? जी हाँ, आपके एसपी साहब की सिस्टर है। सलामुलेकुम बेगम साहब। वालेकुम सलाम। तशरीफ रखें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंस्पेक्टर साहब, जब आप उठ के खड़े होते हैं तो सोफा जो है ये सुख का सांस लेता है। शुक्र करें आप पे नहीं बैठ गया, वरना आप सुख का सांस नहीं ले सकते। हाँ तो बेगम साहब, ये बताएं कि उठवाना किसको है? ये उठवाने से आपकी क्या मुराद है? ओए चुप कर, इधर रजिस्टर लाओ। ओए इन फनकार, इधर आओ, तुम्हारी बेकारी दूर करो। अब ये बताओ कि सोना जो है वो स्वाद से आता है या सीन से? इंस्पेक्टर साहब, पहले तो सीन से लिखा जाता था सोना, लेकिन अब उसका रेट सुन के स्वाद आ जाता है बादशाह। अभी स्वाद आ जाता है? स्वाद नून अलफना वाव अलफा सोना की चेरे चो
वाव रे वी चोरी हो गई है। दीदी दीदी बेगम सामा जी ने तो पुलिस मंगवा ली है, कहीं वो हमको पकड़ के तो नहीं ले जाएंगे। तुम्हें काम करना, अगर कोई मेरा पूछे ना तो तुमने कहना है कि मैं मार्केट गया हूँ जरूरी काम। कौन सा जरूरी काम? और मैं ना तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। ओ पागल हो गई, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो छत पे जा रहा हूँ, टैंकी में जाके छुपने लगा हूँ। ओ जनाब, रिपोर्ट तो हो गई है मुकम्मल, अब काम शुरू होगा हमारा। कौन सा काम इंस्पेक्टर साहब? वो तफ्तीश का और कैसा, और घर के जितने लोग हैं, जितने मुलाजिम हैं, सबको बयानात के लिए तैयार रखें। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। अच्छा जी, खुदा ही आप। और तुम तो इधर हटो यार, आओ जी। तुझे मुबारक हो। किस चीज की? तुमने सब कुछ बता दिया और पुलिस को अपने घर का रास्ता दिखा दिया, और जो कुछ हमारे साथ होने वाला है उसका तो अल्लाह ही वारिस है। ये सब कुछ तुम्हारी हठधर्मी की वजह से हुआ है। मेरी हठधर्मी या मेरी चोरी? बस करो बेगम, बस करो। अपने एसपी भाई को फोन करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। इन्हें क्या जरूरत है किसी से पूछने की? इनके पास तालीम की क्या कमी है? ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या जरूरत है इस घर में एक रनमरीद जो है? ऐसे रनमरीद घर में हो तो फिर और क्या चाहिए? किसका जिक्र हो रहा है ये? आए औरत, सुना तुमने? तुम्हारी वजह से मुझे क्या ऑल फॉल सुनने को मिल रहा है? अपने एसपी भाई का रोब देती है ना मुझे? मुझे जरा इस चक्कर से बाहर आने दो, फिर मैंने तुम्हारे एसपी की अगर एसपी ना कर दी तो मेरा नाम बदल देना। नाम सोच लेना भाईजान। रीमा, कभी सर में मेरे तेल ही डालो, बड़ी खुशकी हो रही है। बट्टी कर दे। मैं अपने सर में डलवा रहा हूँ, इसके सर के लिए नहीं मंगवा रहा हूँ। ये वाली दार थी, ये वाली। साहब जी, तफ्तीश जी स्कॉटलैंड यार्ड कर रही है जी? नहीं बेटा, ग्रेव यार्ड कर रही है। और तुम्हें तो मैं थाने के यार्ड में दफन करूंगा, ज्यादा बोलो नहीं तुम। ये बताओ कि कितने आदमी थे? पांच उस्ताद। इंस्पेक्टर साहब, पांच। फिर भी चोरी होगी, क्यों? ये पता होता तो हम आपको क्यों बुलाते? तुम क्या करते हो? मैं जी काम करता हूँ, जो साहब लोग कहते हैं जी, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता जी। तो जेवर किसकी मर्जी से चुराया है तुमने? कौन से जेवर जी? तो मैं इतनी देर से तुम्हें हीर सुना रहा हूँ? पहली बार मैंने ये हीर सुनी है जी। वैसे आपका हुलिया नहीं है जी हीर सुनाने वाला, आपका तो हुलिया ड्रम बजाने वाला जी। ओए, जब तुम ड्रैंग रूम में चलोगे ना, मैं भी हो गया तो। ओ नहीं, मैं थाने के ड्रैंग रूम की बात कर रहा हूँ, तो तुम्हें पूरी हीर जुबानी याद हो जाएगी। हाँ जी, तो तुम कब से इस घर में काम दिखा रही हो जी? आहा, कितनी सुरीली आवाज है तुम्हारी, देवे कहाँ छुपाया तुमने? जी बेगम साहबा जी ने जहाँ जेवर रखा था वही होगा, और कहाँ होगा जी? जी कितना भोलपन है और कितना कातल है तुम्हारा भोलपन, किसी को होश ही नहीं रहता। खैर इंस्पेक्टर साहब, जरा तफ्तीश आगे बढ़ाइए और खुद भी आगे चलें, आपने तो यही फुल स्टॉप लगा दिया। बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं। और तुम क्या समझते हो अपने आप को? माजी के तमाम कारनामे बीमा सबूत मेरे पास मौजूद है। खैर छोड़ो, और तुम चलो थाने, चलो थाने। सर जी वो मुझे काम है जी, आप साहब जी को लेने, मैंने हांडी पकानी है जी। बाजी जी, बेगम साहब जी। दीदी थाने नहीं जाएगा, जो आपका नुकसान हुआ है वो मैं पूरा करूंगी। पागल हो गई हो? बच्चा है, जरा घूम फिर के आ जाएगा। मैं कंपनी भाग जा रहा हूँ जी, घूम के आ जाऊंगा। और देखें जी, FIR कट चुकी है, अब तफ्तीश थाने में चल के होगी। भाईजान इनसे कह दें, अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। और मैंने क्या किया है? जो कुछ भी हुआ है इस औरत,
खबरदार जो बेगम साहब से इस लहजे में बात की तो। बीवी है जी इनकी। अपनी यहाँ बीवी बात भी ना करें, सोचे भी ना। वो तुम्हारी बीवी है, साहब की बहन है, खबरदार आराम से बात करना इनसे। कोई नहीं कोई नहीं, सबर कर तो मैं हूं ना तुम्हारे पास। भट्टी साहब बेटा अर्थ हो गए हो, करंट लगा बेटे। दीदी मुझे बहुत अफसोस है बेटा। साहब जी आपको मेरे थाने से आने का अफसोस हो रहा है जी? नहीं बेटा, तेरे थाने जाने का अफसोस हुआ। बड़ी जल्दी अफसोस कर रहे हैं जी आप। मैं क्या करता मेरे बेटे, जब से तू थाने गया है मेरे कलेजे पर तो छुरियां चल रही थी, मुझे तो किसी चीज का होश ही नहीं था। मैं दीवाना वाद पागलों की तरह थाने पे चक्कर लगाता रहा। लेकिन साहब जी मैंने तो नहीं देखा आपको। चक्कर तो बेटा मैंने थाने के बाहर लगाए थे। हवालात थोड़ी सी अंदर होती है जी। अच्छा लो, मुझे पता ही नहीं। आ मेरा बेटा इधर आ जा मेरा बेटा आ जा इधर, तू आज मेरे पास बैठ। मेरा क्या हुआ बेटा? साहब जी उन्होंने मुझे बैठने के काबिल नहीं छोड़ा। हाय रे बेटा, उन्होंने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? जो जो कुछ उन्होंने मुझे कहा जी, मैं आपको बयान नहीं कर सकता जी। नहीं यार नहीं, ये बात नहीं, तुम जब तक बताओगे नहीं हमें कैसे पता चलेगा। साहब जी वो लोग मुझे सैर करवाते लेके जा रहे थे जी थाने, रास्ते में जी दो बार उनकी गाड़ी का जी पेट्रोल खत्म हुआ है, खुद सारे अंदर बैठे रहे हैं जी, मुझसे धक्के लगवाते रहे हैं। आए रे साहब जी, फिर थाने पहुंचे जी, मुझे कमरे में ले गए। हाँ वाह, यानी कब क्या? मेरे आंखों पर जी उन्होंने काली पट्टी बांध दी जी। भाई वेरी इंटरेस्टिंग, मजेदार किस्सा है। फिर जी कुछ आवाजें आई, रोल नंबर 1, 2, 3, 15 के बाद जी मैं बेहोश हो गया जी। वो तो मुझे बाद में पता चला जी कि वो नए रगरूट थे, मुझ पे ट्रेनिंग कर रहे थे जी। हाय रे, तो आ गया डैडी? मुझे लगता है अभी मैं पूरी तरह नहीं आया, जिस्म के कुछ हिस्से जो हैं वो अभी भी साथ नहीं महसूस हो रहे हैं। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं, वो ना वक्ती तौर पे सुन हो जाते हैं, बाद में ठीक हो जाते हैं। सुन बाबा सुन प्यार की धुन। दीदी उन्होंने तुझे मारा है? नहीं उन्होंने मुझे ज़दोकोब किया है। ये ज़दोकोब क्या होता है? सुनने से अंदाजा नहीं होता, मैंने भी पहले सुना ही हुआ था। हाय रे, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि उन्होंने तुझे मारा नहीं, सिर्फ ज़दोकोब ही किया है। दीदी तू आ गया? अब्बा जी जी आ तो मैं गया हूँ जी, अब खुदा का वास्ता जी मुझसे सफरनामे की दास्तान ना सुनिएगा जी, मैं बैकग्राउंड म्यूजिक दे के थक गया हूँ। हाय रे, तो दीदी अगर मैं फोन ना करवाती तो वो तुमसे गुलवाते ही नहीं, बल्कि इकरार करवाते कि सेट तुमने ही लिए। बाजी जी आप सही कह रही हैं जी, जब वो मुझे मार रहे थे ना तो बीच में से एक बोला था कि वो बस करो, ऊपर से फोन आ गया, उसमें से एक बड़ा ही लानती था जी, वो कहता है बस मुझे दो हाथ और चलाने दो जी, उसके दो हाथों ने जी मेरा जो अशर किया है बाजी जी। हाय रे डीडी बेटा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। क्यों साहब जी, आप भी मारने वालों के साथ थे जी? तेरे साथ जो भी जुल्म हुए हैं उन सब की जिम्मेदार ये औरत है जो सामने खड़ी है। अब तेरा कलेजा ठंडा हो गया? मेरा कलेजा जब ठंडा होगा जब मेरा सोने का सेट मिलेगा। बस डीडी अब तेरे बाद मेरी बारी है, मुझे थाने लेके जाएंगे नीला पीला करने के लिए। आई डोंट केयर। तुझे केयर क्यों होगी? ऐ जालिम औरत, तोड़ दोगी उसके उस भरम को जिसके सहारे उसने सारी जिंदगी फन की दुनिया पर राज किया। तुम उस भरम को तोड़ दोगी जिस भरम के हवाले से वो दुनिया में पहचाना जाता है,
जिन अखबारों में उसके इंटरव्यू छपते थे उनमें लिखा जाएगा कि मुल्क का अजीम फनकार एम ए भट्टी जेवरात की चोरी करता हुआ पकड़ा गया और ये सारी दास्तान तारीख काले हरूफ से लिखेगी, काले हरूफ से लिखेगी। साहब जी दोबारा कर लें, ये सीन बड़ा ओवर किया जी आपने। ओवर एक्टिंग हो गई तो डीडी कहां से शुरू कर। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी रौनक लगी हुई है। हाँ जी, वो यहाँ एक फंक्शन होने वाला है ना, हमने थाने से बहुत से फनकार बुलाए हैं, बस वो अपना साजो सामान लेके पहुँचने ही वाले हैं। आप तशरीफ रखें ताकि हम मनोरंजन शुरू कर सकें। हाँ जी, मैं तो अभी अभी फंक्शन अटेंड करके आया हूँ जी। हाय रे भाई साहब, सब खैरियत तो है ना। हाँ जी, बस खैरियत ही है। ये जो आपकी सहेली है और हमारी बेगम है, इनका सोने का सेट गुम हो गया है। क्या मतलब गुम हो गया है? एक सेट तो मैं भी 6 महीने पहले इनसे उधार मांग के गई थी, वही तो वापस करने आई हूँ। और उसकी वजह से जो पूरा खानदान अपसेट हुआ है, ये शख्स नीला पीला हो गया है, इसका हिसाब कौन देगा? इस घर में चोरी हुई है। बेगम साहबा जी, मुझे अपने अब्बे की कसम है, मैंने तो वो सेट देखा भी नहीं। तेरे साथ जो भी जुल्म हुए हैं उन सब की जिम्मेदार ये औरत है जो सामने खड़ी है। अब तेरा कलेजा ठंडा हो गया? मेरा कलेजा जब ठंडा होगा जब मेरा सोने का सेट मिलेगा। बस दीदी, अब तेरे पास मेरी बारी है, मुझे थाने लेके जाएंगे नीला पीला करने के लिए। आई डोंट केयर। तुझे केयर क्यों होगी? एक सेट तो मैं भी 6 महीने पहले इनसे उधार मांग के गई थी, वही तो वापस करने आई हूँ। तो छोड़े साहब जी, जो होना था हो गया जी, अब क्या करें। अब मुझे अपनी जिंदगी तेरी मर्जी से गुजारनी पड़ेगी। इस औरत ने इस घर में वो कर दिया है जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कानून के रखवालों ने जो तुम्हारा हशर किया, तुम पे तशद्दुद किया, उसका जिम्मेदार कौन है? यही औरत। मेरी बहन पर चोरी का इल्जाम लगाने वाली कौन है? यही औरत। वो छोड़े साहब जी, अब तो जख्म भी भर गए जी और चेहरे के दाग भी ठीक हो गए जी। मुझे ना ज्यादा फिक्र साहब जी अपने हुस्न की थी जी। कितना हुसन है तुम्हारा? माशाल्लाह जी। जी चाहता तेरे हुसन की नजर उतार लूं। मैं ला नजर लूं और बिल्कुल ही उतार दूं तेरे हुसन की। साहब जी, बेगम साहब आ रही हैं जी, बेगम साहब आ रही हैं। बेगम साहब आ रही हैं तो उठ के नाचूं क्या? मैं सिंधी डांस करूं, सम्मी करूं, भंगड़ा डालूं या फिर लेवा करूं? दीपक 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 दीपक। आपने क्या कोल्ड ड्रिंक पी लिया? खुदा का नाम आने जी, अच्छा नहीं लगता। पहले तो जिस्म ठीक था, अब आप मुलाजम नहीं लगते। ये करते घटिया मुलाजम, सीधे होकर खड़े हो जाओ। अच्छा जी। बट्टी साहब, आप चाय पियेंगे? मैं तुम्हें अपना स्काइयल क्यों दूं? वो तो मैं चाय बना रही थी, मैंने सोचा आप भी पी लेते, मन को शांति मिलती। अब तुम ओमा देवी बनो या कोमा देवी, मुझे तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय से कोई गर्ज नहीं। कसम खुदा का, घर का सुकून और चैन लूट कर चाय बांट रही हो, वाह। चाय बांट नहीं रही, पेश करना चाहती हूँ। रवैयों में पहले थोड़ा जहर घुला हुआ है जो चाय में मिलाकर देना चाहती हो। नाराजगी की भी कोई हद होती है। तुमने जो मेरी हद के अंदर संगबारी की है उसका क्या होगा? उसके लिए मैं आपसे माजरत कर चुकी हूँ और डीडी से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ना करें बाजी जी, मुझे ना थाना याद आ जाता है। हाय रे। चले गुस्सा थूक देना। मुझे जिंदगी में और क्या क्या करना है ये भी बता दो। जिंदगी में किसी को माफ करना सीखे। पहले जिंदगी में गलती ना करना सीखो। अगर ये बात है ना तो मैं इस घर में नहीं रह सकती। नहीं रहती तो ना रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूँ अपनी शक्ल दूर कर लो, तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहता मैं। ठीक है, मैं अपने SP भाई को बुलाकर फैसला करती हूँ। इंसान जिंदगी में अपने फैसले खुद भी कर सकता है, अब जरूरी तो नहीं कि हर मामले में पुलिस को इन्वॉल्व किया जाए। तो फिर मैं जा रही हूँ मैके। जाओ, तुम समझती हो तो मैके जाओगी तो मैं विदाई के गीत गाऊंगा,
बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको दुखी संसार मिले। माफ कर दे मुझे। तुम भी मुझे माफ कर दो, जाओ। ओहो साहब जी, ये सारा कुछ जी मेरी वजह से होता है, ये मामूल बन गया जी आपका। जब तुम्हें पता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से होता है, फिर तुम ये सब क्यों करते हो? वैसे डीडी मैं तो कहता हूँ, खास काम जहां पाक, ये जाती है तो जाए। मैं भी तो दूसरी शादी करने वाला बनूं, मेरा ना लड़का बनने को बड़ा दिल चाहता है। साहब जी, आपने सेट तो लड़के का ही लगाया हुआ है जी। तू चाहता है कि मैं यही काला नमक चाट के मर जाऊं? तू मेरी भयानक मौत चाहता है? तू मुझे रसगुल्ला या रसमलाई नहीं खाने देगा? ना साहब जी, शुगर हो जाएगी जी। भागो मत। एक तो तू मेरा मुआलजे खसूसी बना रहता है। बेगम साहिबा, आप कहाँ जा रही हैं? मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। क्यों बेगम साहिबा? मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा जी। क्यों? तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले या ऐसा कहने वाले? मैं कौन होता हूँ जी, ये तो मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ जी, राशन कार्ड में आप लोगों के नामों के साथ मेरा भी नाम लिखा हुआ है जी। मेरे शिनाख्ती कार्ड पर इस घर का पता लिखा हुआ है जी। आप लोग मेरी पहचान है जी। ठीक कहा डीडी तुमने, हम तुम्हारी पहचान है। देखा तुमने, ये होते हैं वो रिश्ते जिन पर इंसान नाज कर सकता है। और एक तुम हो, इस घर की मालिकन होते हुए भी तुम यहां अजनबी हो। तुमने तो वह भरम ही तोड़ दिया और सारे रिश्ते तोड़कर जा रही हो। ठीक है, अगर तुम वहां खुश रह सकती हो तो मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगा, जाओ। लेकिन तुम्हारी वजह से हमें जो परेशानियां हुई हम बता नहीं सकते। तुम्हारी वजह से एक हंसता खेलता हुआ सिटकॉम आज इस संजीदा नोट पर आन पहुंचा है। जाना है तो जाओ, लेकिन जाने से पहले एक बात सुन लेना, अगर इस घर से कदम निकाला तो यह घर तुम्हारे लिए अजनबी हो जाए। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, रुके बेगम साहिबा, साहब जी रोके ना। जाने दो इसे, मैंने कहा इसे जाने दो। बहुत बुरा हुआ है साहब जी, बहुत बुरा हुआ है जी। आए मूर्ख दीदी, सालहा साल से मैं इस वक्त का इंतजार कर रहा था, आज कुदरत ने ये दिन दिया है तो तू रंग में भंग डाल रहा है। रोके बेगम साहबा को, रोके बेगम साहबा को, इतना ही ख्याल है तो जा बेगम साहबा के साथ चला जा। क्यों जी, मैं कोई पागल हूँ? जश्न की तैयारियां की जाओ। भाई वाह, क्या बात है तेरी, ठाट है तेरे शांतरी और भट्टी। बहुत बुरा हुआ, अगर मैं घर पर होती ना तो मैं कभी भी उन्हें ना जाने देती। ओ बाजी जी, मैंने बड़ी कोशिश की थी, मैंने रोका था जी, समझाया था उन्हें। मुझे कहने लगी तुम कौन होते हो रोकने वाले जी, वो तो उस दिन मुझे रुलाई गई थी, अगर साहब जी ना होते ना जी तो मैं रो पड़ा था उस दिन। हालांकि बाजी जी, सारी की सारी ज्याती ना बेगम साहिबा की थी, डीडी तो बहुत दिनों तक सोया भी नहीं। हाँ जी बाजी जी, मैं तो पुलिस के डर से कई रातें एक आंख खोल के सोता रहा हूँ जी। बाजी जी आप कुछ कह रहे ना? क्या करूँ, मैं गई थी उन्हें मनाने के लिए, उन्हें बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। बाजी जी अब क्या होगा? अगर ऐसा हुआ ना तो मैं गांव चली जाऊंगी अपने अब्बे के पास। तुझे बड़ी जल्दी है अपने अब्बे के पास जाने की, मुझे अकेला छोड़ के चली जाएगी तू? मैं अकेली थोड़ी जाऊंगी, तुझे लेके जाऊंगी साथ। तो मैं वहां क्या करूंगा, प्याज उगाऊंगा? सब अपने अपने अरमान लेकर चले जाएंगे, रह जाएगी अकेली रीमा इस सैड हाउस में। ओ बाजी जी ऐसी बातें ना करे जी, खुदा के लिए जी हमारा कहीं आसान निकलवा दीजिएगा जी। मेरा मतलब है बाजी जी, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं, हम दोनों कहीं नहीं जाएंगे, हम तो आपके पास रहेंगे जी, आपका साया बन के आपके का साथ रहेंगे। बाजी जी साया जरा काफी बड़ा बनना पड़ेगा, लेकिन हम आपके साथ रहेंगे बाजी जी। तो फिर क्या सोचा? किस बारे में? शादी के बारे में। शादी बार बार थोड़ी होती है, तुमसे जो मेरा रिश्ता है वो हमेशा से था और हमेशा।
भाई वाह क्या बात है तेरी, ठाठ है तेरे शांतरी ओ भट्टी। हाँ भाई हाँ तू बड़ा सियाना, काम का है तू ये माना ओ डीडी। अरे बातें बनाना, चक्कर चलाना, लुट गए ये सबसे, अपना हो या बेगाना, ऐसा कोई मिला नहीं जिसका किया भला नहीं, लड़ते हैं झगड़ते हैं फिर भी दिल से गिला नहीं। भट्टिया